अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा मलिक बियाज किचन के साथ। गर्मी आ चुकी है और ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है और इसमें हम मशरूबात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसमें लस्सी जो है वो सरफहरिस्त है। तो आज हम लस्सी बनाएंगे स्ट्रॉबेरीज के साथ जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। इस टिप को आप यूज़ करें किसी भी फ्रूट के साथ, उसको फ्रीज़ करके और फिर उसकी लस्सी बनाएं तो बहुत ही यम्मी बनती है। फ्लेवर्ड लस्सी आजकल बच्चों की फेवरेट है, तो मैंने भी सोचा कि आपको इसकी रेसिपी दूँ जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं, आप देख सकते हैं ये फ्रोज़न है क्योंकि इनका सीज़न बहुत कम होता है, कम लाइफ होती है, तो मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से ये फ्रोज़न है, ऑलमोस्ट आप एक कप के करीब आइडिया ले लीजिए। इसको हम डालेंगे अपने ब्लेंडर जार में। इसके साथ हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, और इसको हम एक दफ़ा ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, जो तकरीबन आधा किलो के करीब है, और हम 2 पोर्शन में इसको ब्लेंड करेंगे। मैं पहले हाफ डाल रही हूँ। इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब जो बकिया दही है मैं वो भी ऐड कर रही हूँ इसमें। ये 1/2 kg के करीब थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध, जो कि आप 1 पाव का हिसाब रख लीजिए, 250 ml, और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे दोबारा और स्मूथ टेक्सचर तक इसको ब्लेंड करेंगे। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1 मिनट लगेगा। एक मिनट हो गया तकरीबन, और देख सकते हैं आप हमारी यम्मी लस्सी रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी यूज़ की थी और दही भी ठंडी थी, लेकिन फिर भी मैं जो है वो आइस क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों में जितना ठंडा हो उतना कम है। तो अब हम इसमें अपनी लस्सी पोर करेंगे। बहुत ही यम्मी बनी है, मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने कोई रेड शरबत का इस्तेमाल किया है, ये इसका ओरिजिनल कलर है। हमारी यम्मी स्ट्रॉबेरी लस्सी रेडी है। इसी तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए आपको बियाज किचन को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।